हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे ममताज हब पे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मक्खन, जो कि हम दूध की जो मलाई होती है उसको उसको थोड़ा जमा के दही डाल के जमा के वो करते हैं। तो वैसे ही आज मैं बनाने जा रही हूँ। वैसे तो बहुत ऐसा कोई स्पेशल नहीं है उसमें, लेकिन वो कहते हैं ना कि सबकी अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं कुछ भी छोटी से छोटी चीज बनाने की। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी मेरे टेक्निक्स और मेरा जो तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं हमारी मक्खन। हाँ तो गाइज, ये है मलाई को मैंने लेके जमा दिया था दही से, थोड़ा सा दही डाल के इसको जमा दिया था। और ये है कम से कम 7 से 8 दिन की मलाई, और रात को ही मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाल के रख लिया था। तो अब ये बहुत रूम टेम्परेचर पर आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, मिक्सर का जार लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मिक्सर का जार लिया है मैंने, और इसमें डाला है मैंने एकदम से चिल वाला पानी, बिल्कुल ठंडा वाला पानी। इसको हाफ के समथिंग मैंने भर लिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी ये मक्खन, ये आधा मक्खन मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये आधा मैंने मक्खन इसको भर लिया है। अब मैं इस जार को बंद करके मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। हाँ तो गाइस देखिए, बिल्कुल ठंडा पानी मैंने लिया था, और अब आप मक्खन देखिए, मक्खन इसमें फटाफट 2 से 3 मिनट के अंदर ये मक्खन बाहर आ जाता है। हाँ तो ये मक्खन देखिए, कितना सारा मक्खन आ गया है। और जिसमें मैं ये बनाऊंगी उसी बर्तन में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ इसको। और अब ये जो थोड़ा सा जो पानी रह गया है, छाछ का पानी, तो या तो आप इसको पौधों में डाल सकते हैं। पौधों के लिए भी जो कड़ी पत्ता होता है उसके लिए एक बहुत अच्छी वो है, न्यूट्रिशंस वाला पानी है ये, आप उसमें डाल सकते हैं। आप चाहो तो इससे आटा लगा सकते हो, या चाहो तो आप अगर कुछ भी नहीं करना हो तो आप इसको वेस्ट साइड में निकाल सकते हो। और अब मैं वापस ही फ्रेश पानी लूंगी। हाँ तो गाइज, ये सेकेंड टाइम का भी मक्खन मैंने निकाल लिया है, ये देखिए। तो फर्स्ट टिप तो ये हो गई कि मक्खन बनाते समय हमेशा एकदम चिल वाले पानी का यूज करें। हाँ तो गाइज, ये हमारा मक्खन है, और इसको मैंने गैस ऑन करके गैस पे चढ़ा दिया है। अभी धीरे धीरे हम इसको मेल्ट होने देंगे। मीडियम पे रखनी है हम लोगों को अपनी फ्लेम। देखिए गाइज, हमारा मक्खन कैसे ऊपर आ रहा है, ये देखिए। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, गैस की फ्लेम को कर देना है एकदम लो पे। ये मैंने कर दिया है गैस की फ्लेम एकदम लो, और ये जो साइड में जो रहते हैं ना झाग से, इसको अपने ये स्पून की सहायता से ऐसे डाउन करते रहना है। ये देखिए तो गाइस, ये देखिए बन रहा है हमारा मक्खन, कैसे हो गया बेचारा, गैस कम करते ही साइड नीचे आ गया। बस इसको पकाना है अभी थोड़ा सा और जब तक हमारा मक्खन बनता है हम दूसरी वाली गैस पे बनाएंगे चाय हमारे लिए। ये मैंने चाय के लिए ले लिया है पानी, 1 कप चाय बनानी तो मैं आधा कप पानी लूँगी और आधा कप इसमें डालूंगी दूध। हाँ तो गाइज, ये देखिए हमारा मक्खन अच्छे से बॉईल हो रहा है। इसमें जब तक ये झाग रहता है ना, इसका मतलब ये है कि आपका घी अभी पक्का कच्चा है, पका नहीं है, तो इसको और चलाना पड़ेगा थोड़ा सा। बस ये है कि साइड से ये आप हटाते जाओ ये झाग जो है, और चलते हमारी चाय की तरफ। चाय में अच्छा सा बॉयल आ गया है, मैंने इसमें चीनी और चाय पत्ती डाल दी थी, और अब मैं डालती हूँ हमारी अदरक। मस्त वाली चाय बनाने के लिए अदरक बहुत ज़रूरी है। एक टिप और, मक्खन और चाय आप जितने पेशेंसली बनाओगे उतनी ही अच्छी बनेगी, मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा चाय के लिए भी, क्योंकि चाय जितनी पकती उतनी अच्छी लगती है, और मक्खन भी जितना उसको पकाएंगे उतना ही थोड़ा प्रिजर्व रहेगा ये, वरना इसमें क्या मतलब हो जाता है, इसमें स्मेल आने लगती है, थोड़ा खट्टा खट्टा लगने लगता है ये। इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं। मक्खन के लिए टिप नंबर 2 ये है कि जैसे इसमें थोड़ा सा फटने लगे ना, इसमें ये थोड़ा सा ये जो गेहूं का आटा है ये डाल दो। उसके बाद इसको थोड़ी सी गैस को फ्लेम को बढ़ा देंगे, और उसके बाद देखिए कैसे फटाफट से हमारे ये जो झाग है बनने बंद हो गए हैं। और ये आटे के साथ साथ जैसे जैसे ये पकेगा ना, वैसे वैसे देखिए अपने आप घी ऊपर आ गया है। देखा, ये टिप नंबर 2 कितने काम की है, ये देखिए अपने आप ही फटने लग गया है वो। बस
मस्त वाला। होप ये वाली टिप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आप नेक्स्ट टाइम आप ये ट्राई करेंगे। लेकिन बस ये है, इस वाले घी को हम फिर व्रत वाले खाने में यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे आप रोटी वोटी पे लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन व्रत वाले खाने में यूज़ मत करना। आटा डालते ही हमारा घी हो गया है रेडी। अब मैं गैस कर दूँगी ऑफ, चाय को मैंने ऑलरेडी ऑफ कर दिया है। हाँ तो गाइज हमारा घी बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसको, ये देखिए, अब मैं इसको इस छलनी से छान के इस वाले बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी। ये देखिए कितना सारा निकला है। तो बचा हुआ घी हमने ऐसे प्रेस कर करके इसको चम्मच से निकाल लिया है। और ये देखिए हमारा, एक छोटी छोटी कुछ ट्रिक्स फॉलो करने से हमारा घी, देखो पाव भर के समथिंग हमारा घी निकल आया है। तो आप भी ऐसे बनाइए। हाँ तो गाइस देखा आपने कितनी छोटी छोटी ट्रिक्स यूज करके हम कितना कितना अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में हमारा घी निकल गया। तो होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।